से बताऊं। यहाँ पर क्योंकि बिजली मौजूद नहीं है तो सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, मोबाइल की सहूलत के लिए। अच्छा, हम मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए, बिजली नहीं है। एक बैटरी लगाई हुई है, सोलर पे चार्ज हो रही है, तो इसके साथ मोबाइल वगैरह चार्ज किया जा सकता है। और ये पानी के लिए, ये बोतल पानी के लिए इस्तेमाल के लिए। अच्छा। इसके अंदर पानी ठंडा रहता है। अच्छा, इसलिए इसके ऊपर कपड़ा लपेटा। जी जी हाँ, इसके ऊपर कपड़ा लपेटा ताकि पानी इसमें ठंडा रहे। सही, बर्फ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सही, इसको बोलते हैं झेलनी। इसके साथ दूध, दूध और लस्सी के काम आती है। अच्छा हाँ, ये जी मक्खन बनाने के लिए, हाँ लस्सी बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको झेलनी कहते हैं। और ये इनका थोड़ा सा सामान है खाना पीने का, ये देखें, क्योंकि यहाँ पर कोई अलमारी नहीं है तो जो ज़रूरियात की अशिया हैं वो ऐसे लकड़ी के साथ ऊपर बांध दी जाती हैं ताकि वो महफूज रहें। और ये मशरूम है, ये खुश्क मशरूम है, तो जब इनका सीज़न होता है तो इनको ये रख लेते हैं काफ़ी मकदार में और खुशक करके, तो फिर इनको पूरा साल पकाया जाता है। ये सीढ़ी है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर क्या खेल रहे हैं जी, खेल के दिखाएं हमें क्या खेल रहे हैं। यहाँ पर लूडो खेली जा रही है। अंकल ये क्या खा रहे हैं आप? सर सीटू हैं। ये क्या चीज़ है? सीटू हैं सर, सीटू। तो ये कहाँ पर उगते हैं? ए फोगा थे, दरिया थे, इधर सहरा में। हाँ जी होता है। तो ये इसको आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? खाते, भूख के लिए खाते हैं। साला नहीं पकते सर। एक किस्म की सब्जी है। हाँ जी, साला नहीं पकता। और ये सहरा में उगती है और इसे, इसका सालन भी बना के इस्तेमाल हाँ, किया जाता हाँ, है। हाँ, और वैसे भी खा सकते हैं। खा सकते हैं हाँ। तो ये इसका जायका कैसा होता है? बिल्कुल मीठा है। मीठा होता हाँ। है ये अल्लाह ताला की कुदरत से ही है। ये सहराई लोगों की खुराक है। इस सर सुबह किस मौसम में होती है? सावन में। एक खट्टी होती है सुबह सुबह, शाम को मीठी होती है। अच्छा, इसका जायका चेंज होता है? हाँ जी। अच्छा, ये एक किस्म का इन्होंने बेड बनाया है और सहरा में सोने के लिए ये इसके ऊपर बिस्तर लगाते हैं और इसके ऊपर सो जाते हैं। और ये ज़मीन से इसलिए ऊंचा है कि ख़तरनाक जानवरों से महफूज रहा जा सके, और इसके नीचे भी सोया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी आराम करने के लिए जगह बनाई गई। रात के वक्त ऊपर। अच्छा, दिन के वक्त नीचे जी जी, और रात के वक्त ऊपर ऊपर बिस्तर बिछाया और सो गए। जी जी, ये हमारे लिए बेड पलंग है। अच्छा, ये इसी तरह सब ने बेड बनाए हुए हैं और हर घर का अपना बेड है, और दिन को इसके नीचे ये आराम फरमाते हैं और शाम को इसके ऊपर जो है बिस्तर बिछाकर सोया जा सकता है। क्या हाल है जी? खैरियत? ठीक ठाक। यहाँ जी मोबाइल पर गाने चलाए हुए हैं और भाई आराम फरमा रहे हैं।
तो रात को इनके ऊपर सोते हैं आप? जी, इसके ऊपर। अच्छा, दिन को इसके नीचे और ये रात को इसके ऊपर आप सोते हैं। ये देखें नाजरीन, इसके ऊपर बिस्तर पड़े हुए हैं, तो रात को ये बिस्तर बिछा के इसके ऊपर सो जाते हैं और दिन को इनके नीचे आराम फरमाते हैं। और ये टूट फूट के शिकार है, यहाँ से लोग इसमें, तो ये देखें आप कीड़े मकोड़े भी हैं। बस ऐसी ही पीने वाली पानी है कना बार। अच्छा, ऐसी टांका है सारा पानी पीवण दा सही। ये सारा त्रट गए तू अपना इंदे जो सारा पानी सा सारा इस्तेमाल पानी दे विचू कर दे से साडा अपना पीवण वास्ते जरा असा टोटल पानी हिंदे च पींदे रहनो हुन इदे तू सारा त्रुटे दी वजह तू विच अपना कोई खराबी मराबी को टिंडाण छिंडाण जाओ कीड़े वगैरह ये सारा लुंडी छुंडी विच होंदी है मजबूरी है सारा पानी पीवण दा बस हेल करनी असा को साफ कर कर दा पानी पींदे कर ये जी गोफा है जो कि सहराई घास से बनाया गया है, आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये लोग यहाँ सहरा में इस तरह के इन्होंने गोपे मकान तैयार किए हैं दीवार के, और इनकी ये सिर्फ इनके अंदर बेसिक ज़रूरियात का सामान है। हेलो बेटे, देखें कितने प्यारे बच्चे हैं। ये देखें जी, इनकी जो ख़वातीन हैं वो बहुत हुनरमंद हैं और अपना जो पेट पालने के लिए इस तरह ये जो है अपना कढ़ाई वगैरह करती हैं, और ये चादर इन्होंने तैयार की है बड़ी खूबसूरत जी। इस गड्ढे में ठंडा ताज़ा पानी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ अवेलेबल नहीं होती, तो जो पानी को इस तरह गड्ढे में कच्ची मिट्टी के गड्ढे में ठंडा रखा जाता है। ये कितनी देर तक इसमें पानी जो है ठंडा रहता है? शाम तक सर, शाम तक। हाँ, तो जो इसमें पानी आप लेके आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं? टोभे से लेकर आते हैं, बारिश का पानी। जी, ये जी यहाँ की खालस लस्सी। ये जानवरों के गोबर से आग जलाकर ये लोहे का राड गर्म किया जा रहा है, और इस राड के ज़रिए जो है जानवरों के ऊपर निशान लगाए जाएंगे जिससे उसका मालक उनको पहचान सके। सही, असा जानवर को निशान देने पे हैं। निशान से लूहा रखे दे भात निशान बढ़िया होने सारा ठप्पा जल्द गर्म हो डांडे को सट दे और दें जो क्यों जो सारी पहचान थी वे सारा डांडा जिते गुम थी वो सबको आसानी न दस संगे।
ये क्या लेके आए हो आप? खुम्बी। खुम्बी कितनी इधर काफी लगी हुई है खुम्बियाँ? दोस्तों ये गोपा बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि सहरा में लोग किस तरह से रहते हैं। लकड़ी और घास से ये गोपा तैयार होता है। इस गोपे के साथ एक और गोपा भी मुंसलिक है। और ये इस तरह से तैयार किए गए हैं कि बारिशों के मौसम में इसके अंदर पानी ना आए। ऐसे महसूस होता है जैसे गारें बनाई गई हैं। ये खुम्बी है मशरूम। और ये देखें यहाँ सहरा में अभी बारिशों का मौसम है तो ये मशरूम यहाँ पर काफ़ी तादाद में उगे हुए हैं। तो ये मकामी लोग इनका सालन बनाते हैं। कितनी इकट्ठी की हुई हैं? ये वाली। अच्छा अच्छा। ये कच्ची मिट्टी और लकड़ी और घास तैयार किया गया है। फर्श इसका भी कच्चा है और एक चारपाई पड़ी हुई है। और जो इसकी दीवार है वो कच्ची मिट्टी से बनाई गई है, जबकि इसकी जो छत है वो लकड़ी और घास से तैयार की गई है। इस गोपे के अंदर एक स्तून है जिसके ऊपर लकड़ी और घास डाल के ये गोपा तैयार किया गया है। ये छोटे छोटे जो सुराख हैं ये गोपे में हवा की आमदो रफ्त के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये जानवरों के लिए इन्होंने एक झोपड़ी बनाई है। ये जी मेहमान खाना बनाया हुआ है। और यहाँ पर जब कोई मेहमान आता है तो उसकी यहाँ पर खातर तवाजो की जाती है। और आप देख सकते हैं कि पीने का पानी भी यहाँ पड़ा हुआ है और कुछ चारपाइयाँ। और हवा बहुत ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है। असा गरीब लोग हैं सारे कनु चार पाया नहीं की दिया ना, ये लकड़ी खड़िया कर दे असा सुमण वास्ते जगह बने दे से दे इनको सरे ने असा मन ही मनी जी।